देवास जिले में मिलावटखोर के गोरखधंधे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत नगर पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह चौहान एवं उप पुलिस अधीक्षक किरण कुमार शर्मा के नेतृत्व में थाना कोतवाली देवास द्वारा मिलावटखोरों के विरुद्ध एक बड़ी कार्यवाही की गई है, जिसमें मिलावट मिर्च मसाले के गोरख धंधे का पर्दाफाश करते हुए शुक्रवारिया हाट स्थित एक दुकान से आरोपी रमेश साहू पिता स्वर्गीय चांदमल साहू उम्र 55 वर्ष निवासी शुक्रवारिया हाट देवास के कब्जे से मिलावटी मसाले जैसे लाल मिर्च, धनिया, हल्दी आदि मसाले लगभग 13 क्विंटल कीमत 15,70,800 का नकली मिलावटी माल जब्त किया गया है, जिसे आरोपी रासायनिक नारंगी एवं लाल कलर मिलाकर उनकी पैकेजिंग कर पैकेट को बाजारों में उच्च दामों में सप्लाई करता था। बता दें कि खाद्य सुरक्षा विभाग देवास की टीम के द्वारा विधिवत रूप से नमूना लेकर जब्त किया गया है, उस पर से थाना कोतवाली देवास ने मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। इस तरह के रासायनिक कलर मसाले में मिलावट से कैंसर जनक घातक होते हैं। आरोपी को हिरासत में लेकर विस्तार पूर्वक पूछताछ की जा रही है।